हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझा सिंह। देखिए, आज से जो भी ब्लेसिंग बनेगी ना, अब सिर्फ दुश्मनों के लिए, क्योंकि आने वाले 3 दिन सारे दुश्मनों पे बहुत भारी रहने वाला है। क्योंकि अभी दशा माँ का सिर्फ 3 दिन का व्रत और बचा है, और मेरे लिए ये गुप्त नवरात्रि दिवाली की रात और होली की रात जैसी है। तो ये 3 दिन तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी। ये 3 दिन में जो ब्लेसिंग की वीडियो बनेगी, वो भी खास करके दुश्मनों के लिए। तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगी अपने भाइयों को, जो अपनी सासू माँ से बहुत परेशान है, इस वक्त या तो उन्हें खटिए पे सुला दीजिए, लकवे का काम करवा लीजिए, या तो, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते कि माँ मेरी सास ने परेशान करके रखा है, मेरी बीवी को आने नहीं देती है, अपनी मनमानी चलाती है। तो उनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, मैंने कुछ लोगों का काम लिया है उनके लिए भी, क्योंकि रक्षाबंधन का गिफ्ट है तो आपकी बीवियों को गिफ्ट देना बनता है। तो उनका गिफ्ट यही है कि उनकी माँ को या तो लकवा मरवा दो, या तो हमेशा के लिए ऊपर पहुँचा दो, ऐसा कुछ तो काम करेंगे। जब 2-4 जनों का काम मुझे मिला है, मैं तो वो कर ही रही हूँ। और आज भी मुझे, आज कुछ मेरे ग्रुप वालों में से किसी ने, 2-4 जनों ने काम चालू करा, कुछ लोगों ने मुझे, मेरे दिमाग पे थोड़ा असर किया है। क्योंकि मैं कैसी हूँ, मैं काम करती हूँ, लेकिन जब बाद में काम के बाद उन लोग इग्नोर करने लगे या बोले, तो मुझे चलता नहीं है। मैं रात रात भर मेहनत करूँ, उसके बाद उनके लिए मेहनत करने के बाद वो अपना एक्सक्यूज़ दे, तो अच्छी बात नहीं है। और ऐसे भी मेरा सुल्तान किसी की सुन के नहीं लेता है। आपको पता हो ना, मैंने पहले भी बोला है, जो मेरे बारे में बुरा बोलेगा, सोचेगा या सुनेगा भी ना, तो मेरे बोलने से पहले सुल्तान वहाँ पहुँच के उनकी बैंड बजा देता है। इतना तो मुझे मेरे सुल्तान जिन पे भरोसा है। और लूना चमारी की शक्ति भी सिद्ध हो रही, लेकिन अभी आने वाले 3 दिन में, मैंने कहा ना, मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। आने वाले 3 दिन पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के लिए रहेंगे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा इस इंडिया का, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में कौन सा ऐसा बाबा है, कौन सा ऐसा मुल्ला है, या कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ताकत है भगवान के सिवा। नहीं, भगवान के आगे तो मैं भी नहीं जाती। अब या तो तुमको खुद भगवान बचाने आएंगे, या तो खुद विद्या देवी बचाने आएगी। बाकी कोई मुल्ला पंडित कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर मेरे पूजे का काट कर दिया तो मैं अपना नाम बदल के रख दूंगी, जो बोलना वो हारूंगी, ऐसी बात है। क्योंकि भाई आज से आने वाले 3 दिन बस तुम सबके लिए बहुत भारी दिन है, ये बात है। और जिन लोगों को पूजा करानी है, मैं यही कहूँगी कि इस वक्त जो लोग, देखिए बहुत सारे लोग मेरे पे, थर्ड पार्टी रिमूव का डाला था वीडियो, तो थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ कहते हैं ना, सौत नहीं होती है, थर्ड पार्टी का मतलब बहुत कुछ होते हैं। जैसे हम कहीं नौकरी धंधा करते हैं तो हमारे एम्प्लॉइज हमसे जलते हैं, मतलब जो हमारे साथ काम करने वाले हमसे जलते हैं, हमारे पड़ोसी हमसे जलते हैं, ऐसे बहुत सारे जाने, क्योंकि मैंने देखा है। तो थर्ड पार्टी का मतलब गलत नहीं होता। थर्ड पार्टी का मतलब कि जो हमारे कोई भी काम धंधे या किसी भी रिश्ते या किसी भी चीज़ में बीच में आते हैं उनके लिए, तो उनका एक ही रास्ता है कि उन्हें हमेशा के लिए पलंग पे सुला दो, उनकी तबीयत का ऐसा हाल करो कि ना वो मर सके ना जी सके। जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है ना, और वो अपने हिसाब उठ के एक ग्लास पानी ना ले पाए ना, वो देखने लायक और सुनने लायक होता है। जब इंसान को अपने आप में परेशान करवा दो, तो कहते हैं ना, वो एक अलग ही होता है, वो मुठकर नहीं होता है। तो मैं सही बोलूँ ना, जिसको हमेशा के लिए खटिए पे सुलाना रहेगा, थर्ड पार्टी हो या सासू माँ हो या बाप जी हो, जो भी हो, जो भी आपको परेशान करना है, मुठ कर ही नहीं करवा लो, या तो मारण क्रिया करा लो, बात खत्म। यही एक तरीका है जो आपके दुश्मनों से पीछा छुड़ेगा। क्योंकि आने वाले 3 दिन, आज रविवार तो भाई हमारे बॉडी वाले शख्स का, कहते हैं ना, हमारे भगवान का ही दिन रहता है। आज का दिन तो सिर्फ मारण मोहन के लिए रहता है। तो आज से अभी जितनी भी पूजा होगी, जितने भी ताले फूके जाएंगे, सबके सब दुश्मन के नाम पे, 3 दिन ऐसा हाल करूंगी दुश्मनों का कि ये बात तो याद रखना कि अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत नहीं आई ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। अब पंगा लिया है तो भोगो, जरा देखूँ मैं। मैंने पहले ही कहा था, गोराई में आने तक का रास्ता तुम लोग भले पार कर लोगे, जाने तक का रास्ता पार नहीं करने दूंगी। तो तुम लोग मुझसे अकड़ दिखा रहे थे कि चलो हम तो गोराई में आके दिखा दिए, मुझे मैसेज किया गया कि हम आ चुके हैं, क्या बात करनी करो। मैं नहीं बात करने आऊँगी, अब मेरी शक्तियाँ तुमसे बात करने आएंगी, और देखती हूँ तुमको कौन बचाता है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को 3 दिनों के लिए, ठीक है। जय माता दी।